Let's all stand. Remember that? What are you doing? Degree? Degree number of B.Tech, B.A. become B.Sc. आप लोग का बहुत क्या है? अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं। जनरल क्लास, इंटरमीडिएट की डिग्री का और कोई विषय उपलब्ध मार्च अप्रैल में और हम ये जो एग्जाम भी जा रहा है, वो है कांस्टेबल टेस्ट, नौकरी है, बहुत कुछ सरकारी का नौकरी में बहुत लोग वो आए इसके लिए बहुत लोग मेहनत करके भर रहा है पुराना शहर में और उनको डिस्टर्ब करने के लिए जो फंक्शन वाला हूं तो आपके साथ मिल रहे हैं 11 बजे को खत्म कर देते हैं हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक इसका आपको नहीं छोड़ा टाइम और ये लगे बहुत इंसिक्योरिटी है सेफ्टी नहीं है इसीलिए पुराना शहर हैदराबाद सिटी का सेफ्टी करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी वी आर कंडक्टिंग दिस चबूतरा मिशन आपको अपने अपने कोशिश का आपको फोटोग्राफ ले लेगा एड्रेस ले लेगा अगर दूसरा बार तीसरा बार मिल जाएगा तो आपको ऊपर जरूर सख्त कार्रवाई किया जाएगा अभी तो काउंसलिंग आपके पेरेंट्स के साथ हम जमानत में आपको दे देंगे इसका कोई नुकसान नहीं है कोई नौकरी का कोई रिकॉर्ड में नहीं आ रहा कोई इसको लेकिन ये रात में ये बसेस में ड्यूटी थी ये चबूतरा में बैठ कर करेंगे तो हम पूरी तरह 100% 0% का कार्य कर हम कोशिश करेंगे करके 158 158 लोग यूथ को
कर दिया गया। ज़्यादा लोग इंटरमीडिएट के डिग्री स्टूडेंट्स थे, जहानुमा, नूरी नगर, दौस नगर, चंद्रायन कुत्ता और भवानी नगर, संतोष नगर में ज़्यादा लोग पढ़ने गए। ये लोग कुछ पढ़ाई नहीं करके वो चबूतरे में बैठ कर आर फिर कर उनका सेंटर्स का नज़दीक फिर कर थोड़ा यूजेस कर रहे हैं, इसीलिए चबूतरा मिशन इलेक्शन हो गए और बाद में अभी फिर शुरू कर दिए, क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल में पूरा एग्ज़ाम्स हो रहा है, अंधकार इंटर डिग्री पी जी का एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, एक तरफ कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सरकारी नौकरी के लोग, ये पढ़ाई प्रिपरेशन नहीं करके ये लोग आवर रखे थे, इनको इनका ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये चबूतरा मिशन करके आज 158 मेम्बर्स को अपने पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करके उनका पूरा डेटा लेकर पुलिस रिकॉर्ड्स में नहीं आ जाएगा। तो अगर दूसरा बार तीसरा बार हैबिचुअल मामला में वो लोग घूम के और कुछ यूसेस करेंगे तो उन लोग के ऊपर एक्शन ले लेंगे, और माइनर बच्चों को अगर पेरेंट्स ये मोटरसाइकिल दे देगा तो उन लोगों के ऊपर भी केस रखने के लिए हम सोच रहे हैं। और ये फंक्शन हाउस भी 11 बजे तक बंद होना चाहिए, शादी का मामला में कुछ म्यूजिक करेगा तो बच्चे लोगों को पढ़ाई को, क्योंकि ये 3 महीने बहुत जिंदगी पर जिंदगी के लिए उन लोगों के करियर के लिए बहुत आवश्यकता है, उनको ज़रूरत है, तो ये डिस्टर्ब करने वाले किसी फंक्शनल को म्यूजिक करने का तो उन लोगों के ऊपर सख्ती में किया जाएगा। हर एक फंक्शनल को 180 से ज़्यादा है सौचन में फंक्शनल को, एक कांस्टेबल एक आर्टिस्ट को सुपरवाइज करके उन लोगों को म्यूजिक नहीं करने के लिए हम कोशिश करेंगे। सर ओनली म्यूजिक के लिए या फंक्शन बड़ा भी होता है, जैसा कि लेट नाइट भी हो सकता है, डिनर रहता है उसके ऊपर, लेट दूल्हा लेट पहुँचता है, उसके लिए क्या करेंगे सर? और म्यूजिक का ऑर्केस्ट्रा जो यूसेज गाना बजाना ड्रम्स बड़ा इसी तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ बुढ़े लोगों को नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, पर्टिकुलरली 3 महीने बच्चों को छात्रालय को स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, इसीलिए हम लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। अंदर फंक्शनल में कुछ टाइम में खाना देने के लिए कुछ शादी का निकाह का वलीमा का करेगा तो कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन बाहर लोगों का पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करेगा तो उन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। असल 11 बजे बाद में कुछ शोर साउंड नहीं आने के लिए हम कोशिश करेंगे। क्रैकर्स पूरा मना है, रात में क्रैकर्स पूरा मना है, अभी तक 12 केसेस रजिस्टर कर दिया, अगर ये क्रैकर्स वाले और मिल जाएगा तो क्रैकर्स कौन सप्लाई कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। रात में 11 बजे के बाद क्रैकर्स बर्स्ट करना पूरा मना है, अगर क्रैकर्स बर्स्ट करने के लिए पुलिस परमिशन लेना है, अगर नहीं लेगा तो उनके जो आर्मी है उनके ऊपर एक्शन।